Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वीडियो के अंदर हम लोग MTH302 बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक के असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन देखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस असाइनमेंट्स के अंदर हमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। सो 2 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 को रीड कर लेते हैं। द मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट्स इन अ सब्जेक्ट आर गिवन बिलो, कि 30 स्टूडेंट्स हैं आपके पास, उन्होंने ये नंबर लिए हुए हैं, ये 30 नंबर हैं, ठीक है, टोटल काम ऐसे सेपरेट किए हुए हैं। और हम लोगों को क्या फाइंड करना है, अरेंजिंग द डेटा इनटू 8 क्लासेस विद इक्वल क्लास इंटरवल एंड देन फाइंड द मीन्स ऑफ दिस ग्रुप डेटा। हमें ये कहा है कि आप लोगों ने इसको जो है ना सबसे पहले 8 क्लासेस में डिवाइड करना है। 8 क्लासेस से मुराद ये कि ये 30 हैं, ठीक है। आपने इनको ऐसे डिवाइड करना है कि 8 ग्रुप बन जाएं, मतलब 4-4 करें या 5-5 करें, 8 ग्रुप बन जाएं, ठीक है। और आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि आपने इक्वल इंटरवल देना है। इंटरवल से मुराद ये है कि अगर आप 4 नंबर ऐड करते हैं तो फिर आप दूसरे भी 4-8 करेंगे, 4-12, मतलब इनके दरमियान के इंटरवल 4-4 इक्वल होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप एक ग्रुप में 4 रखें दूसरे में 5 रखें, ऐसा नहीं है, इक्वल इंटरवल आपने रखना है, एक चीज़। दूसरी चीज़ हमें ये बताई हुई है कि आप लोगों ने मीन इसका फाइंड करना है। देखें, मैंने यहाँ पर बताया कि देयर आर 2 as required in this questions, arranging the data into 8 classes with equal class interval and then we have to find the means of this group data. So ye do requirement hai, to chaliye start karte hain. Sabse pehle hum logon ne yahan pe bataya ki not arranging, dekhiye maine kaha not ke note kare, arranging in increasing order. Increasing order se murad ye hai ki aap logon ke ye number random diye hue hain, theek hai, 15 16 20 21 22 31 35। अब देखें 31 पहले आ रहा है, 35 आ रहा है, फिर 40 आ रहा है, 45, फिर 22 आ रहा है, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे आगे पीछे हैं, आप लोगों ने इसको अरेंज करना है, जैसे इनको सीक्वेंस है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में करना है, 15 16 18 20 जो पहले आते हैं उस तरह से आप लोगों ने लिख लेने हैं जहाँ तक ये नंबर हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने ऐसा करना है, एक टेबल बना देना है, टेबल के अंदर हमारे पास ये नंबर आ जाएंगे क्योंकि हमने 8 ग्रुप बनाने, तो 1 से लेकर 8 तक ये नंबर लिख लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर लिखना है क्लासेस, क्लासेस से क्या मुराद है, अब ये ग्रुप बनाने हैं हम लोगों ने, ठीक है। अब ग्रुप आप लोगों ने ऐसे बनाने हैं कि आप 4-4 चूज़ करते हैं, 5-5 या जितने भी चूज़ करते हैं, आपने 8 ग्रुप बनाने हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे 5-5 चूज़ किए और 15 से स्टार्ट करने हैं, 15 क्योंकि हमारे पास पहला इनिशियल नंबर है। सो 15 से 19 तक हमारे पास क्या आते हैं, देखें 15 16 17 18 और 19, 5 नंबर आते हैं, ठीक है। सो 5 का हम लोगों ने इंटरवल रखा है और 15 से 19 तक आ गए, ठीक है। उसके बाद देखें 20 से 24 तक आ गया, इसके देखें 20 और 21 22 23 24 5 का इंटरवल आ गया, 25 से 29 एंड सो ऑन करते करते 50 से 54। अब ये देखें यहाँ पर 50 तक है लेकिन 54 लिखा हुआ है, खैर इसकी कोई इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आस पास आना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर 5 का इंटरवल रखा है और हम लोगों ने 5 का इंटरवल रख के यहाँ पर 15 से स्टार्ट करके 54 तक इसके 8 ग्रुप बना लिए, ठीक है। ग्रुप बनाने के बाद आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब फ्रीक्वेंसी क्यों निकालते हैं, कि हम लोगों ने बेसिकली मीन निकालना है, मीन के लिए हमें फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है, सो दैट्स वाई हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए ये हमारे पास क्या होता है, देखें 15 से 19 तक फ्रीक्वेंसी निकालनी है इस नंबर की। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब होता है कि भाई 15 से 19 तक कितने नंबर यहाँ पे आए हैं वो यहाँ पे लिखें। मतलब देखें 15 से 19 तक 15 आया है, 16 आया है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे अरेंज किए हुए, ठीक है, ऊपर वाले को अरेंज किए तो यहाँ से इजीली फाइंड कर लेंगे। देखें 15 से 19 तक 15 आया है, 16 आया है, 18 आया है, ठीक है, आगे 19 तक है, ये आगे 20 है, मतलब ज़्यादा है, कितने 3 आ गए, ठीक है। तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, 3 होगी। 20 से 24 तक करने देखें, 20 आए, 21 भी, 22 23 22 दो दफ़ा आए, 23 आए, ठीक है, 24 तक करने तो ये 6 आ रहे हैं, ठीक है, 6 का हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी लिख ली। इसी तरह से इन सब की फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने निकाल लेनी है और इस फ्रीक्वेंसी को आप लोगों ने ऐड करना है नीचे, यहाँ पे समेशन का सिंबल डालना है, ठीक है, और उसके बाद एफ लिखना है कि मतलब फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 30 हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने क्लास मार्क्स निकालना है, ठीक है, एक्स इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब ये क्लास मार्क्स क्या होता है, इसका बेसिक फार्मूला होता है कि स्टार्टिंग वैल्यू जो क्लासेस की जो स्टार्टिंग वैल्यू प्लस एंडिंग वैल्यू, मतलब ये वाली स्टार्टिंग वैल्यू प्लस एंडिंग वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 होती है, ठीक है। मतलब 15 प्लस 19 करेंगे आपके पास आंसर आएगा 34 और डिवाइड करेंगे 2 पे, जब डिवाइड करेंगे 2 पे तो आपके पास 17 आएगा, तो इसका आंसर यहाँ पे 17 आएगा। देखें 20 और 24 को आप जमा करें तो 44 आता है, डिवाइड बाई 2 करें तो आपके पास 22 आता है, एंड इस तरह से ये सारे आप निकाल लें, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एफ एक्स निकालना है, ठीक है, मतलब अभी फ्रीक्वेंसी आ गई और एक्स की, इन दोनों
को निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। 17 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 51 आएगा, ठीक है। 22 को 6 के साथ करेंगे 132 आएगा, एंड सो ऑन। और इनको आपने जमा कर देना है, ठीक है, क्योंकि एफ एक्स हम लोगों ने निकाल दिया, क्योंकि मीन का फार्मूला के अंदर एफ एक्स होता है, सो वो हमने निकालना होता है, तभी हम लोगों ने इनको जमा कर दिया। समेशन एफ एक्स जो है इक्वल टू हो गया कितना, 975। अब मीन निकालने, मीन का फार्मूला ये होता है कि समेशन एफ एक्स लिख लिया डिवाइडेड बाई एफ लिख लिया, ठीक है, मतलब एफ एक्स ये आ गया और एफ हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ गई, 975 लिखा, डिवाइड किया हम लोगों ने 30 पे, हमारे पास कितना आया, 32.5 इसका आंसर आया। सो ये हमारे पास यहाँ पे सॉल्व हो गया। उसके बाद हमें दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द क्वार्टाइल डिविएशंस ऑफ द फॉलोइंग डेटा। हम लोगों ने क्वार्टाइल डिविएशन मालूम करनी है, क्वार्टाइल का मतलब होता है 4, ठीक है, ये हमें नंबर दिए हुए हैं। अब ये नंबर बेसिकली क्या है, देखें, इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे पहले तो इनका उसी तरह से ऑर्डर बना लेना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब एन इक्वल टू 9 मैंने लिखा है कि नंबर ऑफ आइटम यहाँ पे कितने हैं, 9 है, इनको अगर गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, तो हमने 9 लिख लिया। अब क्वार्टाइल आप लोगों ने फाइंड करनी है, 4 होता है, ठीक है, हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वार्टाइल 1 का फार्मूला क्या होता है, क्वार्टाइल 1 का फार्मूला होता है एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। अब एन क्या है, एन हमारे पास 9 है, सिंपल है, 9 प्लस 1 कर लें जमा, 10 हो गया, 10 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा, और 10 यहाँ पे डिवाइड बाय 4 यहाँ पे आ गया। लेकिन अब इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 2.5 आएगा। जब 2.5 आएगा, हम लोगों ने इसके अंदर से, मतलब ये 2.5 का मतलब होता है कि यहाँ पे जाके 2.5 में नंबर जाके देखो, ठीक है। अब कैसे देखेंगे, देखिए 2.5 है यहाँ पे, तो 2.5 का हमें नहीं पता चल रहा। बेसिकली ये होता है कि देखें 2 कहाँ पे, 2 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। 2.5 का मतलब होता है कि देखें इनके अंदर, ठीक है, 1 2, ये 2 जो है, ठीक है, मतलब 2 पे 10 है, और 0.5 है, तो उसका अगली वाली वैल्यू को ले लें, ठीक है, 10 प्लस 11 होगा, ठीक है, हमारे पास इस तरह से हम लिखेंगे। देखें सेकंड एंड थर्ड आएगा, सेकंड एंड थर्ड डिवाइड बाई 2, मतलब 10 प्लस 11 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 10.5 इसका आंसर बन जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वार्टाइल हम लोगों ने फाइंड करना है। सेकंड क्वार्टाइल का फार्मूला होता है कि एन, फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर एन प्लस 1 डिवाइड बाई 4 होता है। अब हमें पता है 2 हम लोगों ने यहाँ पे लिख लेना है एज इट इज, और जो एन है, एन की वैल्यू हमें पता है 9 दी हुई है, यहाँ पे हमारे पास 9 है, ठीक है, ये नंबर ऑफ आइटम जो है, इनको आप जमा करेंगे, 9 और प्लस 1 करेंगे 10 होता है, ठीक है, 10 को जमा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 20 आता है, मतलब 20 आता है, 20 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आपके पास 5 इसका आंसर आएगा, और ये डायरेक्टली 5 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं आ रहा। अब ये जो 5 है ना, इस 5 का मतलब होता है कि भाई 5 नंबर पे देखो, 1 2 3 4 5, 5 पे कितना है, 15 है, तो 15 यहाँ पे हमारे पास आंसर इसका आ रहा है, ठीक है। अब जो बेसिकली हम लोगों ने ये निकाल दिया, उसके बाद हम लोग क्वार्टाइल 3 निकालेंगे। क्वार्टाइल 3 का मतलब है कि 3 एन प्लस 1 होगा, 3 नंबर एज इट इज़ आ जाएगा, और एन की जगह पे हमारा 9 आ जाएगा, 10 हो गया, और 10 मल्टीप्लाई बाई 3 30 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, ठीक है, 7.5 आता है। तो 7.5 का मतलब ये है कि आप 7 वाली जगह देखें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे 19 आता है, तो 0.5 एन उसका अगला वाला नंबर भी लेंगे, मतलब 7 प्लस 8 होगा, 7 प्लस 8 वाली वैल्यू डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, तो 19 प्लस 25 आ जाएगा, डिवाइड बाई 4 की, तो हमारे पास कितना आ गया, 22 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऐसा करेंगे, क्वार्टाइल 1 का, क्वार्टाइल 2 का, क्वार्टाइल 3 का आंसर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इसको लिख के बस आप लोगों ने छोड़ देना है, क्योंकि क्वार्टाइल 4 हम लोगों ने फाइंड नहीं करना होता, ठीक है। जैसे अगर आपको 10 तक दिए तो आप 9 तक फाइंड करते हैं, ठीक है, 4 तक दिए तो हम लोगों ने 3 तक फाइंड करना है। सो ये आपका सिंपल जो है ना, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन था, ठीक है।